हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अशफाक और मैं आपके लिए इतिहास का 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं जो आपके मैट्रिक 2019 के परीक्षा में काफ़ी ही हेल्पफुल होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना वेट टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका आप लोग इसका सभी का आंसर देंगे और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस को आपने सही जवाब दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापन की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान। नेक्स्ट हमारा है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, यानी कि रक्त और नीति किसने अपनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जलवेरिन एक संस्था थी, यानी कि जलवेरिन एक कैसी संस्था थी, किस क्रांतिकारियों की थी, या व्यापारियों की थी, या विद्वानों की, या पादरियों की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? यानी कि 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच एक युद्ध हुआ था, वो बताना है कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेडोन में हुआ था। ओके, नेक्स्ट हमारा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, 1866, 1871, 1870। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1870 में। नेक्स्ट हमारा है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी कि जो महादेश हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप, यानी कि यूरोप में इटली जर्मनी दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1829 की एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो एडियानोपुल की संधि जो 1829 को हुई थी किस देश के साथ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की के साथ। नेक्स्ट हमारा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? यानी कि ये जो संगठन है किससे था, लाल सेना से था, या कार्बोनरी से था, या फिलिक हेटारिया से था, या डायट से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मेजनी का जो संबंध था वो था कार्बोनरी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, यानी कि कौन सा देश था इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया जो था इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था, यानी कि कवि थे, या वह नाटककार थे, या संगीतक थे, या कूटनीतिक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूटनीतिक। नेक्स्ट हमारा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट जो जर्मन के थे, जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट हमारा है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस में हुआ था। नेक्स्ट है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861, 62, 63, 64? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1861 में। नेक्स्ट हमारा है, यूरोपियन समाजवादी कौन था? लुईस सोलहवां था, या सेंट साइमन था, या कार्ल मार्क्स था, या रॉबर्ट वोवेन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स था। नेक्स्ट हमारा है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था?
जार किसको कहा जाता था रूस में? पीने के पानी का कहा जाता था, या पीने पानी के मिट्टी के पात्र को कहा जाता था, या तो फिर रूस के सामंत को कहा जाता था, या रूस के सम्राट को? तो जाहिर सी बात है वहाँ जो है रूस के सम्राट को ही जार बोला जाता था। नेक्स्ट है पुस्तक दास कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दास कैपिटल किसकी रचना है, यानी कि किन्होंने लिखा दास कैपिटल? तो इसका जो राइटर है, लेखक है, रचनाकार जो है वो है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो हमने इससे पहले पढ़ चुके थे कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। और नेक्स्ट हमारा है लास्ट क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है? किताब है पुस्तक वार एंड पीस, ये किसकी रचना है? तो इसमें कन्फ्यूजन मत होएंगे, वो है टॉलस्टॉय। ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उम्मीद है, संभावना है कि फिर से यही सारे क्वेश्चन रिवीजन होते हैं, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन रिवीजन होते हैं और कहीं से दूसरा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसको बार बार दोहराएं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ओके, डैट्स ऑल।